भाई कितने छह जने हैं क्या? वैसे छह क्या ये? चार है, दो दूसरे तो चार पीछे भी तो है। उमराम जी आप इधर हो। अरे एक मिनट, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चार वारदातों को संयुक्त रूप से खोलने के लिए की गई है। कुछ में परिवाद हमारे पास था और कुछ के अंदर, कुछ घटनाक्रम के अंदर FIR दर्ज थी। पहली घटना जिसके ऊपर है वो है एक चेन स्नैचिंग जो लगातार दो अभी हुई थी। उन दोनों चेन स्नैचिंग को किशनगंज पुलिस ने और CIU की टीम ने मिलकर खोल दिया है। यहाँ पर पहली घटना जो 12/6 को हुई थी उसके अंदर इंसाफ और मोहम्मद इस्माइल इन दो जनों को गिरफ्तार किया है और इन्होंने 5 घटनाएं अभी कबूली है। इस घटना के लिए जो प्रयुक्त बाइक थी वो विजयनगर से भी चोरी की गई थी। इसके अलावा केकड़ी, भिलवाड़ा, टॉक, यहाँ पर पर्स स्नैचिंग या थैलियाँ जो है वो इन लोगों ने खींची हैं जिनके अंदर लोगों के पैसे थे, और अजमेर के अंदर चेन स्नैचिंग हुई थी। तो ये दोनों मुलजिम उसके अंदर गिरफ्तार कर लिए गए हैं अभी। इसके अलावा दूसरी वारदात जो है ये जो इसमें इंसाफ है उसके 13 मुकदमे अब तक दर्ज हैं। तो जो है इसके बाद जो दूसरी वारदात हम खोल रहे हैं वो भी वापस से चेन स्नैचिंग की है। एक मुकदमा आया था जिसमें लड़कियों से छेड़छाड़ करने के बाद चेन तोड़ी गई थी, तो उस मुकदमे के अंदर और उसके अलावा एक और मुकदमा उसी तारीख के आस एक दिन पहले 10/6 के था कि दो लड़कों ने युवतियों के साथ में छेड़खानी की है। दोनों घटनाओं के अंदर आरोपी एक ही है। दो आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, एक है वीरेंद्र और दूसरा है श्यामलाल। इसमें वीरेंद्र के अगेंस्ट 4 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं जिनके अंदर महिलाओं से छेड़खानी का भी है, लूट, और इनके भी मुकदमे इनके अगेंस्ट दर्ज है।